ब्रिज मोहन योग चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत करते हुए आप देख रहे हैं किस प्रकार बहनों के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से पीछे की तरफ बैंड करने वाले अभ्यास में ये उष्ट्रासन का अभ्यास किया जा रहा है। बहुत अच्छा अभ्यास। हाँ, ये कमर दर्द को कम करेगा, पेट की चर्बी को कम करेगा, साथ ही साथ जांघ के फैट को, और जब हम गले को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो थायराइड के लिए बहुत लाभकारी है। इसे हम रुक रुक के होल्ड करके फिर सीधा करके इसे हम 4 से 5 राउंड करेंगे। ये काफ़ी अच्छा अभ्यास है। इसमें होल्ड करते हैं और गर्दन को पूरा पीछे की तरफ लटकाते हैं, और ये अभ्यास कम से कम 4 से 5 राउंड प्रतिदिन आदमी को करना चाहिए। अब ये देखेंगे पूरा गला इसमें खींचा हुआ रहता है और थायराइड की बीमारी भी कभी भी आपको जीवन में नहीं हो सकता है। इस अभ्यास को नियमित रूप से फिर सीधा हो जाइए एक बार, फिर एक बार करिए, फिर करिए इसको एक बार, देखिए। अब मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार से हम अपने एड़ी को पकड़ लेते हैं हथेलियों से, और हाँ, और पीछे की तरफ शरीर मुड़ जाता है और पेट पे खिंचाव, पीछे आपका यदि स्पाइनल प्रॉब्लम है, L1 से L5 में कोई समस्या है तो ये इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है बहनों के द्वारा, सभी लोग कर लीजिए, 2-2 राउंड 3-3 राउंड कर लीजिए, प्रयास करिए। बहुत अच्छा। हाँ देखिए, बहुत अच्छा। ये शुरुआत में यदि ऐसा नहीं हो रहा हो तो एक पैर को पकड़ते हैं फिर दूसरे को पकड़ लेते हैं और इस प्रकार से पीछे से आपका हाथ स्टैंड का काम करता है, उसी पे पूरा ये आप देख रहे हैं ना, पीठ के तरफ के भी फैट को कम करता है, बांह के तरफ के फैट को भी कम करता है, बाजुओं को मजबूत करता है ये। हाँ करो छोटी एक बार करो। हाँ पकड़ा दो बाबू एक बार। हाँ शुरू में थोड़ा सा सहारा भी ले लेते हैं। हाँ धीरे धीरे करते हैं आराम आराम से। ये छोटी बच्ची है, परी है, और देखिए परी भी गर्दन लटकाओ बेटा, पीछे पीछे करो, देखिए छोटी बच्चियां भी करती हैं इसको। और तो ये अभ्यास सभी को करना चाहिए, अर्धउष्ट्रासन उष्ट्रासन। देखिए बहन जी का देखिए कितना अच्छा अभ्यास हो रहा है, देखिए पूरा उसमें थोड़ा सा रुके रहिए। ये अभ्यास करने का प्रयत्न करिए, 2 से 3 बार कर लीजिए। कमर दर्द के, स्पाइनल प्रॉब्लम के लिए, फिर पीठ के बल लेट कर